अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी घुमारवीं इकाई द्वारा उप तहसील भराड़ी के सलाहो पंचायत में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विशेष रूप से पूर्व सीपीएस व पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जागीर सिंह मेहता ने की। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष अरमी चंद सोनी ने राजीव गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला। देश व प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उसके उपरांत कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को वहां उपस्थित लोगों से चर्चा की। उसके बाद उन्होंने गांधी परिवार के बलिदानों को भी गिनाया। साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कुछ पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। देश विकास को छोड़कर अपना विकास करना इसका लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों को भी भाजपा के कार्यक्रम बनाया जा रहा है। उसके उपरांत उन्होंने कहा कि राजीव गांधी द्वारा देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, पंचायती राज संस्थाओं को देश में शुरू किया, देश में न्याय व्यवस्था की इस प्रणाली को शुरू किया। देश में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं वो कांग्रेस की ही देन है, परंतु आज उन योजनाओं को भाजपा की सरकार नाम बदल दिया है, परंतु ये सभी योजनाएं कांग्रेस की ही देन है। राजेश धर्माणी ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पर परिवारवाद का हमला जो भाजपा करती है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि गांधी परिवार ने अपना बलिदान इस देश के लिए दिया है, वो भारत की पहचान पूरे विश्व में बनाई है। आज समय आ गया है कि एकजुट होकर काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्याग और बलिदान करने वाला संगठन है, अतः अब समय बदलाव का है। इस अवसर पर उन्होंने घुमारवीं विधानसभा विधायक व प्रदेश कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग से यह प्रश्न भी किया कि उन्होंने जो वायदे चुनाव बनने से पहले किए थे, अपने कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार दिया, वो कितनी नई योजनाएं विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए, ये हिसाब जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में खुद देगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे जो स्थानीय यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि हैं, सबने मिलकर राजीव गांधी जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके किए हुए विकास कार्यों बारे यहाँ पे चर्चा की। नौजवान जो हमारे साथी हैं उनको इसके बारे में अवगत कराया और हमें इस बात का फख्र है कि जो राजीव गांधी जी ने जिन नीतियों को कार्यक्रमों को हिंदुस्तान में शुरू किया था, उनसे आज देश जो है आगे बढ़ा है और देश जो है आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी जहाँ तक प्रदेश सरकार की या स्थानीय जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात है, तो ये सरकार जो है ये झूठ पर आधारित है, क्योंकि जब चुनाव विधानसभा के हुए थे उस समय बड़े बड़े जो है वायदे किए गए, एक भी वायदा जो है आज पूरा नहीं हुआ है।